अपने कार्यकाल में तो विकास नहीं करवा पाए और अब जब चुराह में विकास हो रहा है तो उसे रोकने और लोगों को बरगलाने में जुटे हैं चुराह विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी नेता। यह बात विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चुराह के गुआड़ी में आयोजित जनसभा के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। इससे पहले विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज द्वारा क्षेत्र में 3 सड़कों जिसमें सड़क निर्माण मेन रोड से गुआड़ी, सड़क निर्माण सुखधार से कलोग, सड़क निर्माण मेन रोड से गांव ची का भूमि पूजन और प्रधानमंत्री आदर्श गांव गुआड़ी ग्राम पंचायत ची का शिलान्यास किया गया। इस दौरान उनके द्वारा गुआड़ी में जनसभा को भी संबोधित किया गया और सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों बारे जनता को जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदर्श योजना गाँव लेकर के आए हैं। इसमें हम लगभग 25 नए घर बना रहे हैं, उसमें पार्किंग और स्ट्रीट लाइट्स और गलियों की भी व्यवस्था है। 25 घरों का मतलब है लगभग 50 लाख रुपए हम उस पर खर्च करेंगे। मनरेगा कन्वर्जेंस और जो डायरेक्ट फंडिंग हम लोग कर रहे हैं उसके साथ साथ जो अन्य गतिविधियां यहां पर होनी है, पार्क बनना, पूरी कॉलोनी बननी है, प्लांटेशन होनी है और इन सब पे लगभग 1 करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे। और एक साल का टारगेट हमने फिक्स किया है, एक साल बाद हम इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के कर कमलों से करवाएंगे, वो भी हमने सुनिश्चित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने 3 नई सड़कों का शिलान्यास भी यहाँ पर किया है जो इस गाँव गुआड़ी को जोड़ेगी, एक जो है वो ची गाँव को जोड़ेगी और एक गाँव जो है वो कलोग के लिए जो है वो जाएगी। तो ये 3 सड़कें महत्वपूर्ण हमारी ये हैं। हिमगिरी हमारा एक जो है वो एक तरह से ड्राउट का इलाका रहा है, यहाँ सूखा बहुत पड़ता है, तो इसके लिए 2 करोड़ से निर्मित होने वाली पेयजल योजना जिसका काम जो है वो 50% हो चुका है, आने वाले 4-1 महीनों में हम उसका भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ लगभग 1.8 करोड़ से हम लोग यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल देने की जो है वो स्कीम है उसको भी 3-4 महीनों में हम कंप्लीट करेंगे। और चीली और थनेला और जो बड़े दूरस्थ गांव हैं, मतलब जहाँ पर जाने में दो घंटे 3-3 लगते हैं, उसको भी हम इसी साल जो है जनवरी या फरवरी तक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो आयल हमारी बहुत बड़ी पंचायत हुआ करती थी जिसमें प्रधान साहब को भी 2 या 3 दिन पूरी पंचायत को अगर भ्रमण करना होता था लगते थे, उसको अलग किया है, उसकी अलग पंचायत जो है अब बनी है। अब यहाँ पर टोटल हमारी 6 पंचायतें हो गई हैं जो पहले 5 हुआ करती थी और 2 पंचायतें हमारी पंजई और हिमगिरी जो अभी सलूनी ब्लॉक में आती थी डेवलपमेंटल ब्लॉक के हिसाब से, वो भी अगले महीने से जो है हम शिफ्ट करवा रहे हैं, उनको भी वो तीसरा ब्लॉक के साथ जुड़ जाएंगी। हमारी एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना जो एक सड़क जो बंजराड़ू से यहाँ हिमगिरी को कनेक्ट करती थी उसकी टायरिंग का काम हमने कंप्लीट कर दिया है। साथ ही साथ 2 बसेस नई चला दी हैं इस इलाके में। तो बोलने का मतलब ये है आज ही हमने एक जो हमारा पहलवानों के लिए और स्पोर्ट्स का अखाड़ा है या प्लेग्राउंड के हिसाब से हमने 5 लाख रुपये देने की यहाँ पर वो भी घोषणा की है। और आने वाले समय में ये 6 पंचायतें जो अब बनी हैं उनमें विकास की नई गति मिले जो मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी हर प्रांत प्रदेश के हर पार्ट में चाह रहे हैं, चुराह भी एक नई गति से आगे बढ़े और जिस तरह से बढ़ रहा है, लगभग 125 सड़कों का निर्माण कार्य जो है वो प्रगति पर है विभिन्न मदों के माध्यम से और लगातार हम करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना मुझे कहना है। सर, जैसे कि पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की तरफ से, ये आरोप लगाए थे कि भी जो कार्य चुराह में हो रहे हैं वो सारे कांग्रेस के देन है, पिछले कार्यों को जो है वो करवाया जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनका नाम भी नहीं लेता हूँ, ना लेना चाहता हूँ। उनके पिताजी ने, उन्होंने और उनके मामा साहब जो यहाँ पर पिछले 66 साल जिन्होंने एक ही परिवार ने सत्ता की, और मुझे यहाँ पर कहते हुए बड़ा अफसोस भी होता है और दुख भी लगता है कि उन्होंने जाति और धर्म के नाम पर जो है वो पॉलिटिक्स अपनी की है। 10 साल पूर्व के विधायक को भी यहाँ पर काम करने का मौका मिला, सरकार में भी और ऑपोजिशन में भी उनको काम करने का मौका मिला। मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मनरेगा और कन्वर्जेंस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो 2005 से शुरू हुई, अगर आप इतने ही बुद्धिमान थे या इंटेलिजेंट थे
या चुराह विधानसभा क्षेत्र का भला चाहते थे, आपने वो काम उस टाइम क्यों नहीं शुरू किए? मैं तो 2013 के बाद आया हूँ और आज 20 लगा है हमारा 2020, तो टोटल जो है वो 7 साल हुए हैं मेरे को। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि हमने, जब मैं विधायक बना हूँ पीडब्ल्यूडी का डिवीजन खुला है, जब मैं विधायक बना हूँ आईपीएच का डिवीजन खुला है, सब जज कोर्ट जो इनके पिताजी लेके गए थे चंबा वो हमने वापस करवाया है, 19 करोड़ से बस अड्डा बन रहा है, कॉलेज की भव्य बिल्डिंग बन करके साइंस और आर्ट्स की क्लासेस हमने शुरू की है, बच्चियों के लिए जो है हॉस्टल हमने शुरू किया है। आज की डेट में लगभग जितने भी हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं सब में साइंस और कॉमर्स चलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। कोई पंचायत ऐसी नहीं है जिसको सड़क के साथ हम नहीं जोड़ रहे हैं। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि जिस तीसा मुख्य हॉस्पिटल जो सिविल हॉस्पिटल था, जहाँ कभी एक डॉक्टर हुआ करता था, आज 2 स्पेशलिस्ट के साथ वहाँ 14 डॉक्टर और हैं, मतलब टोटल मिला करके आज 16 डॉक्टर वहाँ पर हैं, जो पिछली इनकी ही सरकार में, मतलब अगर 2.5-3 साल पहले कहा जाए तो वहाँ पर सिर्फ 2 डॉक्टर हुआ करते थे या 1 डॉक्टर हुआ करता था, आज सभी PHCs में 2-2 डॉक्टर या 1-1 डॉक्टर सभी में है। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि मिनी सेक्रेटरीट डिवीजन की बिल्डिंग्स, अरबों के काम जो हैं वो चुराह विधानसभा क्षेत्र में चले हुए हैं। मुख्य सड़क जो चंबा से बैरागढ़ की तरफ या पांगी की तरफ जाती थी, उसमें कभी व्यक्ति जो है वो कितने सारे एक्सीडेंट होते थे, अगर 2001 से लेकर के 2010 का ही आंकड़ा उठाया जाए तो 312 लोगों ने जो है जाने गंवाई थी। आप 12 से लेकर के या 13 से लेकर के 17 के बीच का ये ले लो तो कितने लोगों ने जाने गंवाई, मतलब क्या है, एक संकरा रास्ता जो है वो इनकी सरकारों में रहा। आज डबल लेन लगभग हम पूरे चुराह विधानसभा क्षेत्र की सड़क को कर रहे हैं, तीसा बिहाली पे पैसा खर्च कर रहे हैं, झज्जा सनवाल रोड पे खर्च कर रहे हैं, हिमगिरी की तरफ पैसा खर्च कर रहे हैं, हम लोग देवी कोठी की तरफ पैसा खर्च कर रहे हैं, पांगी की तरफ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पर्यटन में नए पंख लगेंगे, पांगी को 12 महीने चुराह के साथ और पूरे हिमाचल के साथ जोड़ने के लिए अभी जो है हमने एक बहुत बड़ी योजना जो है पर्यटन के लिहाज से लाई है, जिसमें अरबों रुपए खर्च होंगे, जिसकी DPR अब बन रही है। हम लोग एक उसको रोपवे जो हमारे तरेला से चलेगा और पांगी में जाकर के वो ड्रॉप करेंगे लोगों को, और 12 महीने एक स्विस कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो इसका निर्माण करेगी। हम लगभग 33 KVA की जो बिजली है वो भी चुराह से आपके यहाँ पांगी के लिए भेज रहे हैं। लगभग 250 मेगावाट की कैपेसिटी का जो है वो हम लोग यहाँ सब स्टेशन पुकरी में तैयार कर रहे हैं। तो मैं गिनाने पे आऊँगा तो हमें कोई 2 दिन लग जाएंगे, इतना काम हमने अपने इन 7 सालों में किया है। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपने काम किया होता तो जनता आपको सत्ता से बाहर नहीं करती, ये स्पष्ट है। और आप चाहे आप जितना घूम लो, आपने जो काम रुकवाने थे आप जितनी बार रुकवाने की कोशिश करो, काम नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की सरकार है। हम चुनाव आते हैं तब JCB लेकर के नहीं जाते हैं, हमने जब सत्ता संभाली हमने पहले दिन से शुरुआत की है, और जब हम अगले चुनावों में जाएंगे तो विकास के मुद्दे पर जाएंगे। और ये मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि जो कांग्रेस को हमने मुक्त कर दिया है, कांग्रेस मुक्त जो चुनाव हुआ है, 3 बूथ ही हमारे कांग्रेस को 0 लगाने में कामयाब हुए थे, मुझे विश्वास है कि जब हम 121 बूथों में दोबारा से जब 2022 में चुनाव में आएंगे तो उसके 70% बूथों पे कांग्रेस को एजेंट भी नहीं मिलेगा, ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ। धन्यवाद।